भाई कोई खा रहा है, कोई बैठा है, कोई सो रहा है। जी क्या होता है ये? जी इससे क्या होता है? गुड मॉर्निंग, आज मैं चाय बना करके लेके जा रहा हूँ। शक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई। और यार आज ना मुझे बहुत ही खतरनाक सपना आया था। सपना ये था कि मेरा SST का एग्जाम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे याद नहीं है कुछ भी, और मैं फेल होने वाला हूँ। 33% मार्क्स भी नहीं ला पाऊंगा मैं। तो उससे मेरी नींद खुली आज। फिर अचानक से मुझे लगा सालों हो गए हैं स्कूल पास किए हुए, फिर भी इतना पुराना सपना आता है ना, तो मज़े तो आते हैं। होपफुली आज मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सब सही रहा तो। हेलो, वॉकिंग चालू हो गई है। में से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे चने जोर गरम में से आती है। हमारा चाय नाश्ता हो गया है, मम्मी ने केले खा लिए हैं, और अब उनकी चल रही है वॉकिंग एक्सरसाइज, वॉक करवा रहे हैं उनको। तो भाई ऐसा है कि बताओ क्या न्यूज़ है? क्या न्यूज़ है आप बताओ ना। अभी डॉक्टर क्या बोल के गए हैं? घर जाओ। डिस्चार्ज मिल गया है। डिस्चार्ज मिल गया है, अब हम जाएंगे वापस घर। वेरी हैप्पी। डॉक्टर ने बोला हमारी तरफ से आप एकदम नॉर्मल हो, घूमो फिरो, जो खाना है खाओ, जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, बाइक पे जाओ हमारे हिसाब से। हाँ, हमने पूछा कार में लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हमने कह दिया कार में क्यों, आप बाइक में ले जाओ बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, हम लोग निकल रहे हैं, सारी पैकिंग हुई है, डिम्पी लेट है, इसके लिए हम 10 मिनट से धूप में खड़े होकर वेट कर रहे हैं। डिम्पी वेरी बैड। वेयर इज डिम्पी? देयर। This one is Dimpy. आप वॉशरूम में थे इसलिए मैं लेट हो गई। There are two washrooms. हाँ नहीं, मुझे आगे वाले में मेरा सामान रखा था ना। Anyway, so मामा का डिस्चार्ज हो गया and we are leaving now. दोपहर के 2 बज रहे हैं। हम लोग फाइनली निकल गए घर के लिए, और आज भाई डिम्पी और पवनीत ने ना कमाल मचा रखा था। पूरा लंच बना दिया, पूरा लंच पैक कर दिया, फटाफट दौड़ के तैयार हो गई डिम्पी, हमारे साथ जा रही है कोटा तक, हमें ड्रॉप कर रहे हैं घर पे। और आज अगर हमें कोई सामान लाते हुए देख लेता ना तो मतलब हमें अवार्ड मिलता। 6-6 बैग टांग रखे थे, मुंह से भी बैग लटक रहे, गले में भी, हाथों में भी, यूं यूं करके जा रहे थे, इतना सारा सामान था। बट वी वर वेरी क्विक। इज दैट योर परसेप्शन? काफी टाइम तो लगा दिया तुमने। यार मैंने इसको बोला 10 मिनट में निकल रही हूँ, फिर मैंने कहा 10 मिनट और, फिर मैंने कहा तो यार इतना सारा मतलब पैकिंग वैकिंग करने के बाद में तब रियलाइज हुआ कि इतना सब था ना। आई एम सो सॉरी, 1 घंटा हो गया हमको। दोस्तों लंच टाइम हो गया है। मम्मी आप क्या खा रही हो रेस्टोरेंट में? दाल चावल। ओ गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। भाई कोई खा रहा है, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई व्लॉग ही बनाया जा रहा है। व्लॉग ही बनाया जा रहा है, यही है। चाय ब्रेक हो गया हमारा। नमकीन खाएगी, कचौरी खाएगी, क्यों खा ले यार? क्यों परेशान कर रहे हो आप? बेचारी के व्रत चल रहे, कुछ भी नहीं खा सकती है, तो मैं से हर चीज पूछ रहा हूँ। दो दिन से परेशान कर रहे हैं कि ये खाएगी ताकि बोल सके कि क्या बोलते हैं, कैमरा सामने आ गया, अब नहीं बोल पाऊंगी। बेसिकली चिड़ा चिड़ा के खाना है इसको और कुछ भी नहीं है। सांस नहीं आ रही, नींद नहीं ले पा रही। तुम्हारी सांस तो कार में, तो सांस कैसे नहीं आ रही? सांस आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। नहीं नहीं, वो नहीं बचू। गाइस हमने चाय वाय पी ली है, अब हमें एनर्जी आ गई है, अब हम वापस से निकल गए कोटा 12 जाने के लिए। हम लोग घर पहुंच गए। डिम्पी को कोटा में ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फिर हम व्लॉग नहीं बनाया, भूल भाल गए हम लोग भी जल्दबाजी में। और डिनर बन रहा है, डिनर बन रहा है और चाय भी चल रही है। रात के 9 बजे हम लोग पहुंच चुके। हेलो गाइस। हेलो, पहुंच गए हम वापस। कैसा रहा? बढ़िया, तुम बताओ कैसा रहा? सर्जरी करवा लाए? बढ़िया रहा, उनकी ले आओ मम्मी ने बचा के। कितने गए थे हम? ये तो गए जयपुर पर, जयपुर पर गए, भगवान ने भैया दवाई थी,
काय को दंड दे दो और काका चु गलती कर गए रे भगवान के। हम लोग जब जयपुर गए थे पीछे से आपने कितनी बार खाना बनाया? नहीं बना खाने में रोटियां तो नहीं बनाई हमने। क्या बनाया फिर? एक दिन दलिया बनाया, एक दिन खिचड़ी बनाई और दाल बनाई थी। बनाना आ गया है? दाल हाँ बनाई। तुम खाना अभी रखा है थोड़ा सा, एक चम्मच टेस्ट कर लेना। क्यों पापा ने खाना बना के खिलाया आपको? बना लेते हैं वो? नमक कम ज्यादा तो नहीं करा कुछ तो? अच्छा बनाओ। नहीं 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 सही बताओ। सही बता रही हूँ। नहीं 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 मिर्ची है? सही बताओ। सही तो बता रही हूँ। अब मैंने कहा हुआ सही बता रही हूँ। 3, 2, 1। दादी जी क्या कर रही हो आप? ये जी क्या होता है ये? जी क्या कर रही हो? तो तुम कर रहे हैं भाई, मैं कर रही हूँ। जी क्या होता है ये? उंगली है। जैसे क्या होता है? अब मैं नहीं जानूंगी। मैं नहीं जानूंगी बेटा। जीत के आ गए? जीत के आ गए? कनका के जीत के आ गए? जीत के आ गए? ऐसे करो जीत पे आ गए भगवान से जीत के आ गए बेटा। चलो भाई आज के व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। आप अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? क्या करना है? क्या कर रही है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, गुड नाइट। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल जयपुर से आ गए थे और आज लग रहा है मम्मी का पूरा एनेस्थीसिया निकल गया है, क्योंकि उनने उठते ही सुबह किचन में काम शुरू कर दिया है। वहाँ चाय बनने लग गई है। लेह लद्दाख कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अटारी बॉर्डर हो गया, उसके बाद अब यहाँ से इधर से कहीं से होते हुए आना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपन ने अभी छोड़ा हुआ है।